भगवान वेंकटेश्वर के माथे पर है चोट का निशान, आज भी ढका है सिर, हर शुक्रवार होती है मरहम। वेंकटेश्वर एक ऐसे भगवान जिन्होंने लोगों को बचाने और उनकी परेशानियों का निपटारा करने के लिए कलयुग में जन्म लिया था। वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर से जुड़ी आस्था, प्यार और रहस्य की वजह से लाखों लोगों की भीड़ यहां खिंची चली आती है। आइए आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ रोचक बातों से रूबरू कराते हैं। वेंकटेश्वर एक ऐसे भगवान जिन्होंने लोगों को बचाने और उनकी परेशानियों का निपटारा करने के लिए कलयुग में जन्म लिया था। वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर तब तक रहेंगे जब तक इस धरती यानी कलयुग का अंत नहीं हो जाता। लेकिन कलयुग का अंत करेगा कौन? कहते हैं जब जब कलयुग में पाप बढ़ता है उसका अंत होता है और दोबारा एक नए युग का निर्माण होता है। आप सभी ने ये कभी न कभी सुना ही होगा। आइए आज हम बताते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। दरअसल जहां वेंकटेश्वर को कलयुग में दुखहर्ता के रूप में माना जाता है, वही भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कल्कि के बारे में मान्यता है कि उनका जन्म कलयुग को खत्म करने के लिए होगा और धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर को कलयुग के वैकुंठ और कलयुग प्रत्यक्ष दिव्यान के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही भगवान वेंकटेश्वर को कलयुग प्रत्यक्ष दिव्यान गोविंदा बालाजी और श्रीनिवासा नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले तिरुमाला पहाड़ियों की सातवीं चोटी पर स्थापित है। इस चोटी को वेंकटाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह शेषचलम पहाड़ियों की एक किस्म है। यह सात पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो अड्डिशैया के साथ प्रमुखों भगवान विष्णु के नाग प्रकट को दर्शाती है। यह मंदिर कई शताब्दी पहले बनाया गया था। मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला एवं शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। कहते हैं कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी से भी पहले का है। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी दो कहानी सबसे ज्यादा फेमस हैं। वेंकटचल महात्म्य और वरहा पुराण। इन दो कहानियों से पता चलता है कि तिरुमला की भूमि भगवान विष्णु के अवतार द्वारा व्याप्त थी। भगवान विष्णु का वराह अवतार धरती का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान के वैकुंठ धाम में जय और विजय नामक दो द्वारपाल थे जो वहां भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते थे। एक बार संकादि मुनीश्वर जब वैकुंठ धाम में भगवान लक्ष्मी जी और विष्णु जी से मिलने के लिए गए तो जय और विजय के असुरी स्वभाव को देखते हुए उन्होंने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, जिस कारण चारों संकादिक भाइयों ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर असुर बनने का श्राप दे दिया। उसी के प्रभाव से दिति के गर्भ से जय और विजय ने जन्म लिया। उनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्म जी से अलग अलग वरदान पाए। हिरण्यकश्यप ने अनेक शर्तें रखकर ब्रह्मा जी से न मरने का वरदान प्राप्त किया। उसे मारने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया तथा उसे उसके दिए हुए वचन के अनुसार ही मारा। दूसरे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष ने जब दिग्विजय की तो उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया। वह पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले गया था। पृथ्वी को दैत्य से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। उन्होंने एक झटके से हिरण्याक्ष को अपनी दाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वे धड़ाम से पृथ्वी पर वाराह के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वाराह अब वाराह न होकर भगवान विष्णु है। जब ऋषि भृगु ने विष्णु भगवान के सीने पर मार दी थी लात कलयुग की शुरुआत में जब भगवान वराह वैकुंठ चले गए थे, लेकिन ब्रह्मा धरती पर विष्णु भगवान को टाटते थे, जिसके लिए नारद मुनि को कोई युक्ति सोचने के लिए कहा गया। नारद मुनि ने गंगा के तट पर यज्ञ की तैयारी में जुटे। जब बेहतर ब्रह्मांड की खातिर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ शुरू किया था, लेकिन सवाल ये था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में उस यज्ञ का पुरोहित किसे बनाया जाए। सभी ऋषि मुनियों ने ये जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी, क्योंकि वही देवताओं की परीक्षा देने का साहस कर सकते थे। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, लेकिन भगवान ब्रह्मा वीणा की धुन में लीन थे। उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भृगु ऋषि की अगली मंजिल थी महादेव का दरबार, लेकिन उस वक्त भगवान शंकर भी माँ पार्वती से बातचीत में खोए हुए थे और उनकी नजर भी भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। ऋषि भृगु फिर नाराज होकर वहाँ से भी चले गए। अब बारी थी भगवान विष्णु की, जो उस वक्त आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को कई आवाजें दी, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी।
इसके बाद भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को गुस्से में आग बबूला देखा तो उनका पैर पकड़ लिया और मालिश करते हुए पूछा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। यह देखकर भृगु ऋषि को अपना उत्तर मिल गया और उन्होंने यज्ञ का पुरोहित भगवान विष्णु को बना दिया। जब माता लक्ष्मी ने छोड़ दिया, वे कुंठ भृगु ऋषि के भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने पर माता लक्ष्मी नाराज हो गई थी। माता चाहती थी कि भगवान विष्णु भृगु ऋषि को दंड दे, लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर करवीपुर, जिसे अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, आ गई। जब भगवान विष्णु ने छोड़ दिया था वैकुंठ, माता लक्ष्मी के वैकुंठ से चले जाने के बाद भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढने के लिए वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। उन्होंने माता को जंगलों और पहाड़ियों पर ढूंढा, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। बाद में भगवान विष्णु एक पहाड़ी पर रहने लगे, जिसे आज वेंकटाद्री के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा बने गाय और भगवान शिव बने बछड़ा, माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु की मदद करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण कर धरती पर आ पहुँचे। यह गाय चोल वंश के राजा के पास थी, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पौराणिक कहानियों के मुताबिक वो गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को पिला देती थी। कैसे आया भगवान वेंकटेश्वर के माथे पर चोट का निशान? गाय के दूध न देने पर रानी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक संतरी को गाय पर नजर रखने को कहा। संतरी ने सब कुछ देख लिया और गुस्से में आकर उसने गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और वो कुल्हाड़ी उनकी माथे पर लगी। कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्तियों में कायम है। कहते हैं इसीलिए तिरुपति बालाजी में मौजूद मूर्ति में भगवान का सिर ढका है। आज भी हर शुक्रवार को बाकायदा मरहम के जरिए भगवान का उपचार करने की परंपरा कायम है। भगवान विष्णु का श्राप। भगवान विष्णु को संतरी की कुल्हाड़ी लगने के बाद इस करतूत पर भगवान विष्णु ने राजा को श्राप दिया, लेकिन माफी मांगने के बाद भगवान ने राजा को माफ भी कर दिया और एक वरदान दिया कि अगले जन्म में अक्सा के राजा के रूप में पैदा होगा। उसकी एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा पद्मावती और राजा को पद्मावती की शादी वेंकटेश्वर से करानी होगी।